गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रेडियस ऑफ कर्वेचर पार्ट 3। इससे पूर्व में हम पढ़ चुके हैं वक्रता त्रिज्या एस और साई में, वक्रता त्रिज्या फाइंड कर चुके हैं कार्तीय निर्देशांकों में, प्राचलिक समीकरण में मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या, ध्रुवीय समीकरण दिया हो तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कर चुके हैं। आज हम ध्रुवीय वक्रों की वक्रता त्रिज्या फाइंड करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पोलर कर्व्स। माना वक्र का समीकरण r इक्वल टू एफ थीटा तथा इस पर कोई बिंदु पी आर थीटा है, तो वक्रता त्रिज्या का फार्मूला रो इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर r की स्क्वेयर प्लस डी आर बटे डी थीटा की स्क्वेयर पूरे की पावर 3/2 बटे में आर स्क्वेयर प्लस 2 डी आर बटे डी थीटा की स्क्वेयर माइनस आर डी टू आर अपॉन डी थीटा की स्क्वेयर। यह ध्रुवी वक्रों की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने का फार्मूला है। इसका एक उदाहरण लेते हैं। प्रूव फॉर द कॉर्डियोइड आर इक्वल टू ए वन प्लस कोस थीटा। कॉर्डियोइड आर इक्वल टू ए वन प्लस कोस थीटा के लिए सिद्ध करना है। इसका ए पार्ट है रो स्क्वेयर बटे में आर अचर है, बी पार्ट है रो वन स्क्वेयर प्लस रो टू स्क्वेयर इक्वल टू 16 ए स्क्वेयर बटे में 9, वेयर रो वन डैश रो टू आर द रेडी ऑफ कर्वेचर एट द एंड्स ऑफ द कॉर्ड थ्रो द पोल, जहां रो वन रो टू ध्रुव से गुजरने वाली किसी जीवा के सिरों पर वक्रता त्रिज्याएं हैं। तो वक्र हमें आर और थीटा में दिया हुआ है, तो ध्रुवी वक्रों की वक्रता त्रिज्या याद करने के लिए इसका सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं डी आर बटे में डी थीटा इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा आएगा, क्योंकि ए कांस्टेंट है, वन का अवकलन जीरो हो जाएगा और कोस थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा, तो डी आर बटे डी थीटा इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। आर का थीटा के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर डी टू आर अपॉन डी थीटा की स्क्वेयर इक्वल टू माइनस ए कोस थीटा, ये इक्वेशन फर्स्ट। वक्रता त्रिज्या के सूत्र में डी आर बटे डी थीटा और डी टू आर अपॉन डी थीटा का मान रखने पर तो ए पार्ट हमारे पास रो इक्वल टू फार्मूला होता है आर की स्क्वेयर प्लस डी आर बटे डी थीटा की स्क्वेयर इस पूरे की पावर 3/2 बटे में आर स्क्वेयर प्लस 2 डी आर बटे डी थीटा की स्क्वेयर माइनस आर डी टू आर अपॉन डी थीटा की स्क्वेयर। सबसे पहले तो आर का मान पुट करते हैं, आर का मान है ए वन प्लस कोस थीटा, तो उसकी स्क्वेयर हो जाएगी प्लस डी आर बटे डी थीटा की स्क्वेयर होती है तो उसका स्क्वेयर हो गया ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा पूरे की पावर 3/2 बटे में आर स्क्वेयर होता है, तो यहाँ आर की वैल्यू पुट करेंगे ए स्क्वेयर वन प्लस कोस थीटा की स्क्वेयर प्लस टू ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस आर आर टू होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वेयर आर की वैल्यू वन प्लस कोस थीटा, डी टू आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू है माइनस ए कोस थीटा, तो फार्मूले का माइनस और माइनस ए कोस थीटा मिलकर बनेंगे प्लस ए ए हो जाएगा ए स्क्वेयर वन प्लस कोस थीटा इंटू में कोस थीटा। इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं, हमें दिया हुआ है रो इक्वल टू, तो ए स्क्वेयर बाहर है वन प्लस कोस थीटा की होल स्क्वेयर है, तो ए स्क्वेयर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस टू ए स्क्वेयर कोस थीटा प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा पहले से ही है पूरे की पावर 3/2। इसी प्रकार से बटे में ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस टू ए स्क्वेयर कोस थीटा,
प्लस टू ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर कोस थीटा और प्लस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। कोस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया या रो इक्वल टू ऊपर देखते हैं ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा का मान एक होता है। ए स्क्वेयर प्लस ए दोनों में से ए स्क्वेयर कॉमन लिया कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस टू ए स्क्वेयर कोस थीटा ऐसे कैसे और पूरे की पावर तीन बटे दो। बटे में नीचे भी देखते हैं ए स्क्वेयर ऐसे कैसे प्लस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर और ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर टू ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर हो जाएगा। उसमें से टू ए स्क्वेयर कॉमन लिया आएगा कोस स्क्वेयर और आगे है टू ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर टू ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा उसमें से टू ए स्क्वेयर बाहर लिया तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस टू ए स्क्वेयर कोस थीटा और ए स्क्वेयर कोस थीटा ये हो जाएगा तीन ए स्क्वेयर कोस थीटा। या रो इक्वल टू ऊपर आएगा कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा का मैं एक हो गया ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर हो गए दो ए स्क्वेयर प्लस टू ए स्क्वेयर कोस थीटा की पावर तीन बटे दो। बटे में कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर थीटा वन होता है ए स्क्वेयर प्लस टू ए स्क्वेयर हो गए तीन ए स्क्वेयर इसमें से और लास्ट वाले पद में से तीन ए स्क्वेयर कॉमन लिया तो अंदर बचेगा वन प्लस कोस थीटा। रो या फिर रो इक्वल टू ऊपर हम ए स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो घात तीन बटे दो है दो से दो घात कट जाएगी तो ए की पावर बचेगी तीन और अंदर बचेगा दो वन प्लस कोस थीटा पूरे की पावर तीन बटे दो। बटे में तीन ए स्क्वेयर वन प्लस कोस थीटा है ए की पावर दो ऊपर नीचे काट देंगे तो ऊपर बचेगा ए। तो हमारे पास ऊपर है ए दो वन प्लस कोस थीटा की पावर तीन बटे दो बटे में है तीन वन प्लस कोस थीटा दो की पावर तीन बटे दो होता है दो अंडर रूट दो इंटू में ए बटे में तीन। वन प्लस कोस थीटा की पावर तीन बटे दो है बटे में वन प्लस कोस थीटा की पावर एक है तो एक से एक कटेगी ऊपर वन प्लस कोस थीटा की पावर एक बटे दो बचेगी। ये इक्वेशन होगी सेकंड। दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो रो स्क्वेयर इक्वल टू आएगा आठ ए स्क्वेयर बटे में नौ वन प्लस कोस थीटा और वन प्लस कोस थीटा की वैल्यू है आर बटे में ए वो यहाँ रख देंगे तो रो स्क्वेयर इक्वल टू आएगा आठ ए स्क्वेयर बटे में नौ आर बटे ए। ए की स्क्वेयर ऊपर है और नीचे है ए तो ए की एक पावर कट जाएगी तो हमारे पास रिजल्ट आएगा आठ ए आर बटे में नौ। ये रो स्क्वेयर का मान है तो हमें सिद्ध करना है रो स्क्वेयर बटे में आर इक्वल टू आठ ए बटे में नौ आर बटे में चला गया और रो स्क्वेयर बटे आर की वैल्यू अचर जो कि अचर है हमें यही सिद्ध करना था। तो इसका पार्ट बी तो समीकरण दो से रो वन इक्वल टू हम इक्वेशन सेकंड देखते हैं उसमें वन प्लस कोस थीटा का मान टू कोस के थीटा बटे दो होता है तो अंडर रूट दो कोस थीटा बटे दो आएगा दो अंडर रूट दो और अंडर रूट दो हो जाएंगे चार ए बटे में तीन कोस थीटा बटे दो तो रो वन का मान हो गया चार ए बटे में तीन कोस थीटा बटे दो। जहाँ जीवा के एक सिरे का सदिश कोण थीटा है चूंकि जीवा ध्रुव से गुजरती है तो इसे इसके दूसरे सिरे का सदिश कोण पाई प्लस थीटा होगा। जीवा ध्रुव से गुजरती है तो इसके दूसरे सिरे का कोण पाई प्लस थीटा हो जाएगा तो इस पर वक्रता त्रिज्या हमारे पास रो वन का मान था चार ए बटे तीन कोस थीटा बटे दो तो समीकरण तीन में थीटा की जगह पाई प्लस थीटा पुट कर देंगे तो रो टू का मान हमारे पास आएगा चार ए बटे तीन कोस पाई प्लस थीटा बटे में दो
और कोस पाई बटे दो प्लस थीटा बटे दो होता है माइनस साइन थीटा बटे दो। तो रो टू का मान आएगा माइनस चार ए बटे तीन साइन थीटा बटे दो, समीकरण चार। तीन और चार का स्क्वेयर करके जोड़ने पर रो वन की स्क्वेयर प्लस रो टू की स्क्वेयर इक्वल टू चार की स्क्वेयर करेंगे सोलह, ए स्क्वेयर बटे में नौ, कोस स्क्वेयर थीटा बटे दो प्लस साइन स्क्वेयर थीटा बटे दो, इसका मान एक होता है। तो रो वन स्क्वेयर प्लस रो टू स्क्वेयर इक्वल टू आएगा सोलह ए स्क्वेयर बटे नौ। तो सेकेंड पार्ट हमें यही सिद्ध करना था। अब इसके आगे पदिक वक्रों की वक्रता त्रिज्या कैसे फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पेडल कर्व्स। वक्र का पदिक समीकरण P इक्वल टू एफ आर हो तो वक्रता त्रिज्या रो इक्वल टू आर डी आर बटे डी पी होती है। यदि वक्र हमें P और R में दिया हो तो इसका हम एक उदाहरण लेते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इफ़ द पेडल इक्वेशन ऑफ द एलिप्सॉइड इज। वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि दीर्घवृत्त का पदिक समीकरण है एक बटे पी की स्क्वेयर इक्वल टू वन बटे ए स्क्वेयर प्लस वन बटे बी स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर बटे में ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। हमें एक वक्र का समीकरण पी और आर में दे रखा है और हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या होती है रो इक्वल टू आर डी आर बटे में डी पी। सोल्यूशन दीर्घवृत्त की समीकरण का पी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड में है वन बटे पी स्क्वेयर, इसका जब अवकलन करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस दो बटे में पी की पावर तीन इक्वल टू वन बटे ए स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है जीरो हो जाएगा, वन बटे बी स्क्वेयर कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएगा, माइनस आर स्क्वेयर का होता है टू आर डी आर बटे डी पी और बटे में ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। सूत्रानुसार रो बराबर आर डी आर बटे डी पी तो इक्वल टू आएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा और बटे में पी की पावर तीन, यही हमारी वक्रता त्रिज्या होगी। स्पर्श रेखीय ध्रुवी पी साई समीकरणों के लिए वक्रता त्रिज्या। यदि वक्र पी और साई में हो तो वक्रता त्रिज्या का फार्मूला रो इक्वल टू पी प्लस डी स्क्वेयर पी बटे में डी साई स्क्वेयर होता है। इसका एक उदाहरण लेते हैं। प्रूव दैट फॉर द कर्व पी इक्वल टू ए साइन बी साई और रो पी के समानुपाती है। सिद्ध कीजिए वक्र की समीकरण पी इक्वल टू ए साइन बी साई के लिए रो समानुपाती पी। तो हमें वक्र का समीकरण पी और साई में दिया हुआ है तो सबसे पहले समीकरण का साई के सापेक्ष अवकलन करेंगे डी पी बटे में डी साई इक्वल टू ए ऐसे कैसे साइन का अवकलन होता है कोस बी साई और बी साई का हो जाएगा बी। तो डी पी बटे डी साई इक्वल टू ए बी कोस बी साई तथा पुनः अवकलन करने पर डी स्क्वेयर पी बटे में डी साई स्क्वेयर इक्वल टू कोस का अवकलन होता है माइनस साइन। तो यहाँ आएगा माइनस ए बी साइन बी साई और बी साई का हो जाएगा बी। तो रिजल्ट आएगा माइनस ए बी का स्क्वेयर साइन बी साई। फॉर्मूले से हम जानते हैं रो इक्वल टू पी प्लस डी स्क्वेयर पी बटे में डी साई स्क्वेयर होता है। तो यहाँ पी और डी स्क्वेयर पी बटे में डी साई स्क्वेयर का मान रख देंगे। पी का मान है ए साइन बी साई और डी टू पी अपॉन डी साई स्क्वेयर का मान है माइनस ए बी स्क्वेयर साइन बी साई। यहाँ ए साइन बी साई कॉमन है बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा वन माइनस बी स्क्वेयर और ए साइन बी साई का मान है पी वो यहाँ रख देंगे तो रिजल्ट आएगा रो इक्वल टू वन प्लस बी स्क्वेयर पी। तो हम देख रहे हैं कि जो रो है वो पी के क्या है समानुपाती है, यही सिद्ध करना था। थैंक्स, धन्यवाद।